हाय गाइस, जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनका एक कॉमन डाउट कि मैम करंट अफेयर्स रिटेन होने में प्रॉब्लम हो रही है, रिटेन नहीं हो पा रहा। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड क्योंकि मैं भी एक मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हूँ एंड मेरे लिए भी करंट अफेयर्स पढ़ना, बेसिकली कोई भी थ्योरी वाली चीज़ें हों जिसको याद करनी पड़ती है तो मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, मैं नहीं कर पाती ईजिली एंड मुझे भी बहुत मेहनत लगी है करंट अफेयर्स अपना बिल्ड करने में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि करंट अफेयर्स रिटेन कैसे होगा। तो पहली बात ना, आप एक सिक्वेंस में पढ़ना स्टार्ट करो। बेसिकली बैंक एग्जाम्स में बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है उसका, ऑल्दो भी करंट अफेयर्स काफी वास्ट हो गया है, समझ नहीं आता वो लोग कितना डीप पूछ लेते हैं। बट ऐसा है कि अगर आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बना के अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप 15-20 मार्क्स स्कोर कर लोगे जीए में। एंड आज के टाइम पे आउट ऑफ 40 15 नंबर लाना भी बहुत बड़ी बात हो गई है जीए में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि 8-9-10 नंबर भी नहीं निकलते। बट यही है कि सबसे पहली बात, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मतलब उसी सिक्वेंस में पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहले वो रिटेन करो ताकि वो सारी चीजें पहले अच्छे से याद हो जाए, उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर जाना। और ये मैं अभी आपको बताऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक से कैसे करना है आपको। एंड सेकेंडली ना, डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ो डेली, या तो अगर आप एकदम वीक हो बिल्कुल नहीं कर पा रहे खुद से तो आप कोई एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो। मैंने अभिजीत मिश्रा सर से पढ़ा था तो आप उनसे पढ़ सकते हो या किसी दूसरे एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो। एंड अगर खुद से हो जाता है तो बेटर है कि डेली का आप आधा घंटा निकाल के डेली बेसिस में सिर्फ रीड करके चलो, डेली के आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाना है। मैं प्रेफर करती थी कि आपको वीकली बेसिस पे नोट्स नोट्स भी नहीं बनाना है, वीकली बेसिस में जो वीकली पीडीएफ आता है उसका प्रिंट आउट निकालो एंड उसमें स्टार्टिंग में ही आपको वो कंटेंट का वो दिया रहेगा जिसमें पूरा इंडेक्स दिया रहेगा कि क्या क्या है उस पीडीएफ में, राइट। तो वो इंडेक्स में आप हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेके लीस्ट इंपॉर्टेंट तक इसी सिक्वेंस में पढ़ाई करना, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया था, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर लिया था और बार बार उसी को रिवाइज करती थी तो इससे मेरा रिटेंशन काफी अच्छा हो गया था। वीकली बेसिस में आप स्मार्ट किड़ा का मॉक ड्रिल फॉलो कर सकते हो क्योंकि अभी वो बेस्ट सोर्स चल रहा है। अफेयर्स प्लॉट भी काफी अच्छा था लेकिन वो काफी ज्यादा डीप था, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी कॉन्टेंट है उनका, तो एस्पिरेंट्स को वैसे ही रिटेंशन में प्रॉब्लम है, उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। स्मार्ट किड़ा में आपको स्मार्ट पॉइंट्स मिलते हैं तो वो शायद ज्यादा हेल्पफुल है मेरे अकॉर्डिंग। और अगर आपको देखना हो तो मैंने सैम्पल पीडीएफ जो भी मेरे को मिले थे मॉक ड्रिल रिलेटेड वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, आप प्लीज जाके चैनल ज्वाइन कर लो। और आप फाइल्स वाले सेक्शन में जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा मॉक ड्रिल का पीडीएफ, तो आप वो देख सकते हो। उन्हीं का पीडीएफ भी है, वो लोग क्विज भी देते हैं तो आप क्विज लगा लगा के उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मेरे को रिटेन करने का यही था कि पहले मैं डेली पढ़ती थी फिर वीकली बेसिस पे हाईलाइट कर करके पढ़ती थी, हाईलाइट करने से मेरे अपने नोट्स भी बन जाते थे, एग्जाम टाइम उसी को रिवाइज कर लिया करती थी एंड वीकली पढ़ने के बाद वीकली क्विजेस भी लगाती थी जो क्विजेस आते थे, और इसके कारण मल्टीपल रिविजन होने लगे तो मेरा रिटेंशन काफी अच्छा हो गया था। एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको एकदम एक्यूरेट कोई चीज याद हो, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि एकदम आपको फिगर्स में वो एक्यूरेट आना चाहिए। अगर आपने पढ़ा है आपको थोड़ा बहुत भी अंदाजा लग रहा है तो आपके वो मार्क्स दिलवा देगा आपको। अगर 80-20 का भी रेशियो है ना कि 80% आप श्योर हो बट 20% कंफ्यूज हो, तो आप अपने 80% के इंट्यूशन में जा सकते हो और आप डेफिनेटली मार्क्स निकाल लोगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता है बट डरना नहीं, आप आगे बढ़ो, चीजें अपने आप स्मूथली हो जाएंगी और एग्जाम में मार्क्स भी ले आओगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो होते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस या आरबीआई इन न्यूज हम बोल सकते हैं। आरबीआई रिलेटेड कुछ भी हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई अपना सेंट्रल बैंक है, तो उसके रिलेटेड अगर कुछ भी न्यूज आ रहा है, अगर वो कोई भी चीज को मॉडिफाई कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो आरबीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद एसबीआई इन न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एसबीआई के एग्जाम्स के लिए तो SBI for sure important है, SBI related ही news उसमें अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो भी कुछ marks आ जाएंगे। Second है आपका national affairs, national में मतलब कि जो एकदम national level पे है कि कोई government की scheme आई है, कोई योजना आई है, तो वो सब बहुत important है क्योंकि central government अगर कुछ निकाल रही है तो वो very very much important, तो उसको अच्छे से cover करके चलना और उसको in deep in depth पूरा अच्छे से cover करना कि उसके figures भी आपको याद होने चाहिए, amount भी याद होने चाहिए कि कितने का क्या launch हुआ है, अच्छे से आपको वो चीज करनी है। थर्ड है आपका स्टेट अवेयरनेस, स्टेट अफेयर्स बोल सकते हैं, स्टेट अफेयर्स या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स, ये थोड़ा इक्वल साइड पे है। कुछ कुछ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे असम, असम रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसा अभिजीत सर ने बोला था एक बार तो मुझे याद है वीडियो में उन्होंने कहा था। दिल्ली का अगर कुछ हो तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा यही है कि स्टेट वाले न्यूज को जो भी इंपॉर्टेंट, अगर कोई स्टेट कोई एकदम डिफरेंट सा स्कीम लॉन्च कर रही है जो पूरे इंडिया में अभी तक हुआ नहीं है और उस स्टेट का देख के दूसरी स्टेट भी वो स्कीम लॉन्च कर रही है, तो इस तरह की चीजें
थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको कवर कर लेना। उसके बाद हो गया आपका अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन, वो भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है कि नेशनल लेवल पे कोई कमिटी का कुछ, अगर कोई किसी ने रिजाइन कर दिया हो, कोई अपॉइंट हो गया हो, तो ये सारी चीजें उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। आपका स्कीम्स हो गई, जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, समिट, साइंस टेक, ये सारी चीजें ना, मतलब इसमें ना आपको बहुत सारी न्यूज नहीं मिलेंगी कि एकदम मीटिंग या कॉन्फ्रेंस रिलेटेड आपको बहुत सारी 10-15 न्यूज मिल गई, ऐसी नहीं होती। तीन चार पांच छह ऐसा ही होता है एक हफ्ते में, और वो बहुत कम ही होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये सबको आप एक साथ कवर करके चलना। फिर आपका आता है MOU या कोलैबोरेशन, की अगर इंडिया ने या इंडिया का कोई ब्रांड किसी किसी के साथ कोलैब कर रहा है, या गवर्नमेंट किसी के साथ कोलैब कर रही है, या पर्सन इन न्यूज, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे कि अगर बाहर के कोई प्रेसिडेंट विजिट किए हैं यहाँ, तो उस तरह की चीजें, जो पर्सन इन न्यूज आपको, जो भी इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें। के बाद आपका लास्ट आता है जो एकदम लीस्ट इंपॉर्टेंट में यू कैन काउंट, की डेज हो गए इंपॉर्टेंट डेज, क्योंकि आज के टाइम पे डेज से रिलेटेड एकदम ना के बराबर क्वेश्चन आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो एक दो क्वेश्चन से ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं आ रहे डेज के ऊपर। और आप लास्ट के 6 महीने का अगर डेज देखोगे ना, आपको कितने कितने दिन मिल जाएंगे, एक महीने में ही आपको मतलब 10-15 दिन तो आपके कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहता है, तो 6 महीने का पढ़ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डेज हो गया, ऑब्विचरी इज वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं ऑब्विचरीज करना, और मैं तो करती भी नहीं हूँ। कोई एकदम ही फेमस पर्सन है और उनकी डेथ हो गई है, तो डेफिनेटली वो तो एकदम मतलब पूरे न्यूज का ही वो हाईलाइट हो सकता है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे जो एकदम रेगुलर के ऑब्विचरीज है कि कोई कुछ, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, डिफेंस हो गया, ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले डिफेंस के एक्सरसाइजेस में कई क्वेश्चंस आते थे कि इंडिया का किसके साथ क्या एक्सरसाइज होता है, लेकिन अब मेरे ख्याल से उतना नहीं आता, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश की थी, एग्जाम में कुछ खास क्वेश्चन मिले नहीं थे डिफेंस रिलेटेड। हाँ, अगर कोई जैसे कोई मिसाइल वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट बन रहा है, कुछ लॉन्च हो रहा है, तो वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वो आपको पढ़ के समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उसको कवर करके चलना। और हाँ, एक टॉपिक बच गया है स्पोर्ट्स रिलेटेड। स्पोर्ट्स का ऐसा है ना कि अगर कुछ एकदम इंपॉर्टेंट चल रहा है स्पोर्ट्स में, कुछ वर्ल्ड लेवल पे कुछ चल रहा हो, नेशनल लेवल पे चल रहा हो, अगर एकदम इंपॉर्टेंट चल रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उससे एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा हाईलाइट वाला नहीं चल रहा है, तो आपको स्पोर्ट्स से ना शायद एक आध क्वेश्चन से ज्यादा भी ना मिले, क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट होता है तभी वो स्पोर्ट्स में, लाइक कोई वर्ल्ड कप हो गया या वो इंपॉर्टेंट होता है, मतलब किसने क्या रिकॉर्ड बनाया इस तरह से। लेकिन ऐसे आप देखोगे तो स्पोर्ट्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और वही है कि अगर आप सब कुछ अच्छे से कवर करके चलोगे तो आपका स्कोर तो बहुत अनएक्सपेक्टेड हाई रहेगा, मतलब आप बाकियों के कंपैरिजन में काफी अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन अगर आप मेरी तरह के एस्पिरेंट हो कि आपको करंट अफेयर्स में बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप स्मार्टली स्टडी करो, इतना पढ़ो कि आपके एवरेज या अबव एवरेज मार्क्स आ जाएं, और आप बाकी सब्जेक्ट से कोप अप करके चलो, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ये सबको अच्छा करो, वहां से आपको मार्क्स देने हैं, और यहां से अबव एवरेज मार्क्स आ गए तो मोर देन सफिशिएंट है। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। मैंने कई वीडियोस इस तरह की बना चुकी हूं, लेकिन अब न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे तो उनकी डिमांड मुझे पूरी करनी पड़ेगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट बिलो, एंड विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।